हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय किचन। लेट्स हैव अ स्नीक पीक कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। एज यू नो व्यूअर्स, क्रिसमस इज अराउंड द कॉर्नर, तो मैंने सोचा क्यों ना क्रिसमस से रिलेटेड कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो आज मेरा ख्याल है कि इस रेसिपी को देख के बच्चे बहुत खुश होंगे। इस वीडियो को जितनी भी मम्मा जिस टाइम वॉच कर रही हैं, आप लोग ज़रूर अपने बच्चों के लिए बनाइए, बच्चे बहुत खुश होंगे। एक नज़र डालते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। सबसे पहले हमें एक डबल बॉयलर लेना होगा। एक सॉस पैन में आप पानी को थोड़ा सा स्टीम कर लीजिए, उसके ऊपर एक और बोल रखिए और उसमें आप चॉकलेट चिप्स या चॉकलेट एक कप आप डाल देंगे उसमें, और इसके साथ ही चला जाएगा 3/4 कप बटर। चॉकलेट और बटर को हम अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। डबल बॉयलर में मेल्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे चॉकलेट जो है आपकी बर्न नहीं होती। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम एक और बोल ले लेंगे और 3 अंडे डालेंगे उसमें। इसके बाद हम 1 कप शुगर ले लेंगे, जो भी रेगुलर शुगर आप अपने घर में यूज़ करते हैं, और 1/2 कप इसमें ब्राउन शुगर चली जाएगी। अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। हम 1/2 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर और 1/4 कप कोको पाउडर ले लेंगे, और 1/8 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसको हम ऐड करेंगे जो हमने शुगर और एग्स का मिक्सचर बनाया था उसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद 1 टीस्पून वनीला एसेंस चला जाएगा, और ये है जी यमी यमी ब्राउनी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट कॉफ़ी। 1 टेबलस्पून कॉफ़ी चली जाएगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। इसके बाद जो हम दूसरे बोल में हमने चॉकलेट और बटर को जो मेल्ट किया था वो वाला बैटर हम इस बैटर में मिक्स कर देंगे। इसके बाद 2 टेबलस्पून ऑयल चला जाएगा इसमें। तो जी व्यूअर्स, ब्राउनी के सब इंग्रेडिएंट्स इसमें जा चुके हैं। अब ये मिक्सचर रेडी है बेक होने के लिए। परफेक्ट ब्राउनी के लिए हमें 9x9 इंचेस पैन की ज़रूरत होती है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये फॉइल के ही कंटेनर्स यूज़ कर लिए। इनको आप ऑयलिंग कर लें थोड़ी सी, और बटर पेपर से इसको लाइन कर दें। मिक्सचर हम पोर कर देंगे इसमें, हल्का सा टैप कीजिए इसको, और 180 डिग्रीज पे इसको बेक होने के लिए रख दीजिए फॉर 30 मिनट्स। ये देखिए जी, यमी ब्राउनी रेडी है। अब हम इसको स्क्वायर पीसीज में काट लेते हैं। एक्चुअली आई एम नॉट अ चॉकलेट पर्सन, बट आई कैन टेल यू कि ये बहुत ज़्यादा यमी लग रही है मुझे। अब हम इनको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। थोड़ी सी चॉकलेट हम मेल्ट कर लेंगे ताकि इसके चॉकलेट के साथ जो कैंडीज हम लगाएंगे वो अच्छे से उसके साथ स्टिक हो जाएंगी। पहले हम आईज़ लगा देते हैं। ये रेड M&M से हम नोज़ बना देंगे, और प्रेट्सल के साथ हम इसके एंटलर्स बना देंगे। तो जी व्यूअर्स, हमारे ब्राउनी रेंडियर्स रेडी हैं। आप भी जो भी क्रिसमस के लंचेस या डिनर्स प्लान कर रही हैं उनमें आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। इसके अलावा आप बच्चों के इवनिंग स्नैक्स के लिए भी बना सकते हैं। आई होप यू लाइक द रेसिपी, और मेरी दुआ है कि ये मंथ आप लोगों के लिए ढेरों खुशियां लेके आए। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खुशियां बांटिए, इंजॉय कीजिए, और मेरी तरफ़ से मैरी क्रिसमस टू ऑल हु आर सेलिब्रेटिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन खुदा हाफिज़।